So, hello everyone. Good morning to all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy. And I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. So, 6th April hai aaj guys, Tuesday ka din hai, a lovely bright sunny morning. And hum wapas aa mil rahe hai on newspaper analysis session. This session जिसमें हम करंट अफेयर्स का नॉलेज अपडेट करते हैं, इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. ठीक है, सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्प करेगा. क्लैट दे रहे हो, एलर्ट, एलसेट, स्लैट, एमएचसीटी, ड्यू, एलएलबी, ब्लैट, जो भी लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, आप सभी को इंडिया की सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में ये हेल्प करने वाला है. ठीक है, ओके. सो जल्दी जल्दी से अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दीजिए अबाउट दिस क्लास, सो दैट उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले अबाउट दिस क्लास. जो भी आपको पता है कि लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं, सभी के साथ शेयर कीजिए अबाउट दिस क्लास. एंड मैं तो ये भी बोलूंगी कि दूसरे भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर सेक्शन आता है, जैसे कि यूपीएससी बैंकिंग एग्जाम, उनको भी ये सेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा. बिकॉज जो न्यूज़पेपर एनालिसिस से हम करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, इससे बेटर करंट अफेयर्स का नॉलेज आपको कोई सोर्स से नहीं मिल सकता. तो बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिए, जो भी आपको पता है, अपने आसपास लोग, नेबर, पड़ोसी लोग, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव, सभी के साथ शेयर कीजिए. एंड मेक बेस्ट मैक्सिमम एडवांटेज, टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस क्लास, दिस सेशन. ठीक है गाइज, सो चालू करते हैं. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो भी ज्वाइन कर रहे हैं. हाय केतन, वेलकम टू द क्लास, गुड गुड मॉर्निंग. तो आज हम काफी सारे न्यूज है. इलेक्शन एक तो आ रहे हैं आज के दिन. ठीक है, जस्ट बिफोर बिगनिंग विद द क्लास, एक थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग को बता दूं क्विकली. ठीक है, सो आई एम निधि ध्रुव, अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स, लाइक क्लैट के लिए, एलिट, एलसेट, स्लैट, एमएचसीटी, सभी के लिए प्रिपेयर करवाया है. I was earlier associated with IMS Learning Resources, where for 7.5 years I've taught to all the law entrance exam aspirants. ठीक है, and I'm still associated with Cost Accountant Institute and Company Secretary Institute. I'm a company secretary as well, right? And I really love interacting with students and sharing my knowledge. So yeah, that's me. So guys, सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं. आप फुल ऑन प्रिपरेशन अपना 100% स्टार्ट कर दीजिए. काफी वास्ट सिलेबस है, आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी आ रही है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं बताऊं आपको, तो आपको कंसिस्टेंटली लेक्चर पूरा देखना है, एंड तक सारी करंट अफेयर्स अच्छे से समझनी है. इधर मैं एडिटोरियल भी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ये भी बहुत अच्छे से समझनी है आपको, तभी आपको फायदा होगा. सो कंसिस्टेंट रहिए, पूरे क्लास में बने रहिए. ठीक है, एंड अन अकेडमी पे भी आप हमारी स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, निधि ध्रुव क्लास एडुकेटर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है. ठीक है, इधर बता देती हूँ आपको लिख के. सो आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट रेगुलरली आपको मेरी यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस के बारे में जानकारी मिलेगी. एंड वो सारी अटेंड कर लीजिए, डेफिनेटली आप पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन लॉ एंट्रेंस का हो जाएगा. तो इधर मैं आपको लिख के बता रही हूँ, मेरी टेलीग्राम चैनल सबको दिख रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा. पब्लिक चैनल है, सर्च कीजिए, मिल जाएगा टेलीग्राम पे, निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर, दिस इज द टेलीग्राम चैनल नेम. ठीक है, तो जल्दी जल्दी अभी स्टार्ट कर लेते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए इसको, एंड देन हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन. ठीक है, तो आज के दिन में क्या इम्पोर्टेंट है वो भी आपको मैं बता दूं. ठीक है, दिव्यांका इज सेइंग गुड मॉर्निंग. हाय दिव्यांका, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. ओके, सो मैं आपको ये स्टार्ट करना चाहूंगी आज के दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस. इसमें पहले तो डी डे है, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, तीनों जगह आज इलेक्शंस होने वाले हैं, वोटिंग होने वाला है. तो मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंसीज उनकी उसकी वोटिंग्स होने वाली है. केरला की 140 सीट्स, तमिलनाडु की 234 सीट्स और पुडुचेरी की 30 सीट्स के लिए इलेक्शन आज होने वाला है. ठीक है,
बट ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इलेक्शन के क्या आउटकम आते हैं वो देख लेंगे बाद में, ठीक है, जब इलेक्शंस खत्म होंगे और काउंटिंग हो जाएगा तभी। ओके, नेक्स्ट आज इम्पोर्टेंट न्यूज में मैंने देखो इधर ग्रीन में हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, काफी दिन से उनपे एलिगेशन चल रहे थे। तो एक तो ये सचिन वाजे वाला केस चल रहा है बराबर, जिसमें मुकेश अंबानी को के घर के बाहर एक एसयूवी पाई गई जहां पे जिसमें एक्सप्लोजिव थे, फिर वो जिसकी कार थी उसकी डेथ हो गई थोड़े दिन के बाद। और इसमें पूरे चीज में इन्वॉल्व थे खुद पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, और एक विनायक शिंदे करके भी है, वो भी इन्वॉल्व थे। वो सब अभी निया की कस्टडी में है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में। फिर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने कहीं ना कहीं अनिल देशमुख पे उंगली उठाया, सॉरी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नहीं, खुद पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने, ठीक है, और उन्होंने बताया कि मैंने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को जैसे बताया कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने ऑर्डर दिया था कि होटल्स और बार्स जो मुंबई के है महाराष्ट्र भर में है उससे मंथली 100 करोड़ निकालने हैं, ये अनिल देशमुख ने टारगेट दिया था सचिन वाजे को। तो ये बारे में जैसे उनको बताया, परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया। तो परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में गए और आवाज उठाई कि अनिल देशमुख इस सब में इन्वॉल्व है, आप उनके खिलाफ एक्शन सीबीआई इंक्वायरी करें। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला बॉम्बे हाई कोर्ट इज केपेबल टू हैंडल द मैटर, वो करेगी मैटर हैंडल, ठीक है। एंड अभी फाइनली हाई कोर्ट ने कल के दिन में डिसीजन दे दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि देशमुख किस खिलाफ, अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ सीबीआई प्रोब करेंगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। तो ये जैसे ही खबर आई अनिल देशमुख ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने क्विट कर लिया है गवर्नमेंट में से, ठीक है। तो ये एक हेडलाइन है, इधर तो है ही, बट इसका एक पूरा टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया ना आगे के एक पेज पे, मैं खुद ही वो बता देती हूँ, इसके साथ लिंक्ड है, इसलिए वो न्यूज को साथ साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं आपके लिए वो निकाल लेती हूँ, कर गया। सो हाँ, फिफ्थ पेज पे है बराबर। ओके, सी ये वाला आर्टिकल सबको दिख रहा है, मैं जूम करूं गाइस बताइए आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये वाला न्यूज जो है, अनिल देशमुख ने रिजाइन किया, तो ये ऑर्डर के बाद रिजाइन किया, तो अभी बड़ा ऑर्डर ये है बॉम्बे हाईकोर्ट का कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करेंगे अनिल देशमुख के खिलाफ, ठीक है। और परमबीर सिंह के लेटर पे ये चीज हो रहा है, परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के जिनको ट्रांसफर कर दिया गया, और परमबीर सिंह ने बोला कि जैसे मैंने अनिल देशमुख के बारे में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को बताया उन्होंने मेरा ट्रांसफर दूसरे ही दिन करवा दिया, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन है, आप देख सकते हो गाइज, मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको, जूम कर लेती हूँ और ये हाईलाइट किए करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये वाला पूरा पढ़िए पहले क्या हुआ। 25 फरवरी से ये पूरा चीज चल रहा है, मैंने आपको अभी इसका टाइमलाइन एक्सप्लेन किया जस्ट, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ये पूरा टाइमलाइन है इसका, ठीक है। 25 फरवरी को एसयूवी पाई गई मुकेश अंबानी के घर के बाहर, 5 मार्च को मनसुख हिरेन जिसका एसयूवी कार था वो मारे पाए गए मुंबई क्रीक के पास, देन निया ने अरेस्ट किया पुलिसमैन सचिन वाजे को 13 मार्च को, 17 मार्च को परमबीर सिंह को एज अ पुलिस कमिश्नर निकाल दिया गया, 20 मार्च को फिर मिस्टर सिंह ने एक लेटर में अक्यूज किया सीएम को, बताया कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख एक्सटॉर्शन के लिए लायबल है। मिस्टर सिंह फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि सीबीआई प्रोब चाहिए, तो और एडवोकेट जयश्री पाटिल ने फाइल किया पुलिस कंप्लेन ऑफ मिस्टर सिंह एलिगेशन, फिर उन्होंने एफआईआर ऐसे फाइल कर लिया एडवोकेट जयश्री पाटिल ने। मिस पाटिल फाइल्स प्ली बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बॉम्बे हाई कोर्ट केपेबल है ये संभालने के लिए, मैटर उनके पास जाओ, तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में प्लीडिंग फाइल किया कि सीबीआई और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोब, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड, दोनों प्रोब करवाए, इन्वेस्टिगेशन करवाए। तो जुडिशियल कमीशन 30 मार्च में लेड बाय रिटायर्ड जज केयू चंदीवाल अपॉइंटेड अ प्रोब चार्ज टू प्रोब चार्जेस, तो फिर एक जुडिशियल कमीशन बैठाया गया जिसमें रिटायर्ड जज को हेड बनाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। देन 31 मार्च को हाई कोर्ट ने पूरा प्लीडिंग सुना इंडिपेंडेंट प्रोब के रिगार्डिंग, एंड 5 अप्रैल को हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और वो बता दिया है सीबीआई के डायरेक्टर को कि मिस्टर सिंह के
जो जो चार्जेस लगा रहे हैं मिस्टर देशमुख, अनिल देशमुख पे, वो उनके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोब आप चालू कर दो। तो ये एक पूरा इसका न्यूज़ है। और ये जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कल के दिन में, वैसे ही अनिल देशमुख ने क्या किया है, रिजाइन कर लिया है। ये हमारी फ्रंट पेज की न्यूज थी जिसके बारे में आगे ये आर्टिकल दिया गया था, तो मैंने वो कनेक्ट करवा के दोनों आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, हाय महेश, वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट आज के फ्रंट पेज पे न्यूज है, जो बोल रहे हैं कि लैवरोव जयशंकर टॉक्स टुडे। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, अंडरलाइन करके आपको दिखाती हूँ, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो विजिट कर रहे हैं आज इंडिया में। अभी 5th and 6th अप्रैल को इंडिया में है, ठीक है। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर खास करके इधर बात करने आए हैं पीस एफर्ट्स जो अफगानिस्तान में लेने हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो है वो मिलेंगे लैवरोव, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उनको, ठीक है। 5th और 6th 2 दिन के लिए रशिया से वो आए हैं और आज मीटिंग होने वाली है जयशंकर और लेवरोव का, ठीक है। एंड ये खास करके रशिया ने इसलिए वो आए हैं क्योंकि रशिया ने एक मार्च 18 को अफगानिस्तान के रिगार्ड पीस मैटर के रिगार्डिंग एक मीटिंग रखा था 18 मार्च को, जहां इंडिया को इनवाइट नहीं किया था। तो उस चीज की सारी अपडेट, रशिया क्या मूव लेना चाहता है उसकी अपडेट न्यू दिल्ली को देने के लिए लेवरोव आए हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो इधर मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया है, क्या इम्पोर्टेंट है आपको जानना है, पढ़ना, ठीक है। महेश इस आज की इसे नोट डाउन करना है, काफी स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली ये चीजें पूछ रहे हैं। गाइस आपको बता दूं कि नोट्स मैं बोलूंगी आप नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेशन से अच्छे से पढ़िए बस। 90% आपका प्रिपरेशन तभी हो जाता है जब रेगुलरली आप करंट अफेयर्स अपडेट। अभी जयशंकर और लेवरोव आज मिल रहे हैं, वो आपने जाना, अभी कल उन्होंने क्या बात किया वो भी जानेंगे। 2-3 बार इसके बारे में जानोगे तो आपको वो न्यूज तो याद रहेगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए बट तभी याद रहेगी, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट आपको लगता है कि मेरा मेमोरी काफी वीक है नहीं याद रहता है तो आप लिखिए, ठीक है। 90% प्रिपरेशन ऐसे कीजिए और 10% प्रिपरेशन आप ज्यादा से ज्यादा क्विज, मॉक टेस्ट, सब कुछ हमारे मॉक अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे है, वो आप सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उससे जो भी आपको क्वेश्चन सामने आते हैं तो आपको पता चलेगा कितना याद रह रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रिपरेशन वो वापस इधर भी रिवाइज होगा, भले उसमें भी आंसर रॉन्ग हो तो आपको राइट आंसर पता चलेगा, तो दूसरी तीसरी बार जब सेम चीज पढ़ते हो तो याद रह जाएगा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट लग रहा है कि हाँ मेरा मेमोरी बहुत वीक है तो कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। दिव्यांका, यू वांट मी टू ज़ूम द न्यूज, ओके ओके। अभी बताइए दिव्यांका, इज इट ओके, मुझे बताना जरा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज था, ठीक है, के लेवरोव और जयशंकर टॉक्स टुडे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट फ्रंट पेज का न्यूज जो है वो ये है, गवर्नमेंट रबिशेस रफाल रिपोर्ट एज कांग्रेस डिमांड्स प्रूफ। तो जब आप लोग सबको पता होगा कि 2017 में ये जब डील हुआ, सॉरी 2016 में ये डील हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच में, कि ये रफाल के जेट्स जो है वो पावरफुल है, हमारी डिफेंस को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। तो ये जब ये डील हुआ तो गवर्नमेंट पे बहुत सारे आरोप लगे थे, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी चल रहा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये केस में गवर्नमेंट को क्लीन पाया गया और रफाल के को इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब कि इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेट्स में, तभी एक रिपोर्ट आ रहा है, अब ध्यान में दीजिए कि इलेक्शन के टाइम पे खास आ रहा है, ठीक है। फ्रेंच की एक मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि फ्रांस का एंटी करप्शन एजेंसी एजेंट्स जो है उन्होंने फाइंड आउट किया है दैट ये जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है डिसॉल्ट एविएशन, जिसके पास से हमने रफाल जेट्स लिए हैं, उन्होंने $1 मिलियन एक इंडियन कंपनी को पे किए हैं इन कनेक्शन विद द 2016 इंडो फ्रेंच रफाल डील। कमीशन के तौर पे, एजेंट के तौर पे एक इंडियन कंपनी को 1 मिलियन
यूरोस का ये दिया गया है, ठीक है, अमाउंट दिया गया है। तो ये एक एलिगेशन आया है फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट में, तो जिसके ऊपर वापस अभी कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल के दिन रख लिया कि ये इतना बड़ा अमाउंट क्यों कोई मिडलमैन को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट खुद ही जब ये डील कर रही है तो ये गवर्नमेंट की कोई खुद की तो कंपनी नहीं है जिसको मिडलमैन एजेंसी को बना के दे दिया है पैसा। तो इस चीज के रिगार्डिंग वापस ये प्रोब के लिए डिमांड करी है कांग्रेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बिल्कुल भी सारे क्लेम रबिश है, क्योंकि ये बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया था, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो उन्होंने भी फाइंड आउट किया था तभी कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन द रिपोर्ट एज सच एट दैट टाइम। सो सीएनएजी का भी रिपोर्ट क्लियर बता रहा था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया था ये वाला जो देखो अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोग के लिए, आप पढ़ना इधर। सुप्रीम कोर्ट हैड रिजेक्टेड अ डिमांड फॉर अ प्रोब इन द परचेज ऑफ द हायर एयरक्राफ्ट एंड द सीएनएजी आल्सो फाउंड नथिंग रॉन्ग। सो ऑलरेडी ये चीज के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन हो चुका है एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग फाउंड हियर, ठीक है। सो गवर्नमेंट बोल रही है कि सारे क्लेम बिल्कुल रबिश है, कांग्रेस हालांकि इन्वेस्टिगेशन मांग रही है। तो ये भी आज का एक बड़ा न्यूज है, आपको ध्यान देना है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये एक आपको जानना है ये वाला न्यूज, मैं जूम कर लेती हूँ आपके लिए। या सो आईआईटी दिल्ली जो है सेंटर टू सॉल्व ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, जो गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट और आईआईटी दिल्ली का जो सेंटर है ये मिलके एक ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगी, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट ने 6.1 करोड़ अलोकेट किए हैं ये खास ये काम के लिए, ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं इम्पोर्टेंट एमओयूज हमें जानने होते हैं हमारे करंट अफेयर्स के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है विद इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली आईआईटी दिल्ली, ठीक है, इनके साथ टू क्रिएट अ सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी इन द बिड टू मूव टूवर्ड्स वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सेंटर बनाना चाहती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ठीक है, और सस्टेनेबल मोबिलिटी के को बढ़ाना चाहती है। तो इस पर्पज के लिए आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है और इसमें गवर्नमेंट ने 6 करोड़ जितना खर्चा के लिए अलोकेट किया है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज था आपका। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, फिफ्थ पेज का न्यूज, बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू परमवीर सिंह लेटर। सीबीआई प्रोब ऑर्डर हो चुका है अनिल देशमुख के खिलाफ एंड अनिल देशमुख ने खुद ने रिजाइन कर लिया है अभी गवर्नमेंट से। आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पेज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के, जो कि एडिटोरियल पेज है गाइस, ठीक है। एडिटोरियल पेज जो है हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेज होता है, ये दो बड़े आर्टिकल्स जो देख रहे हो आप इसे लीड्स बोलते हैं एंड दो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर्टिकल्स है उसको एडिटोरियल्स बोलते हैं। तो एडिटोरियल आज दोनों लीड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, एक कोविड के रिगार्डिंग है और एक इलेक्शन के रिगार्डिंग है, दोनों ही आपको एग्जाम में काम नहीं लगेगी। और ये जो साउथ फेज है ये वाला ऊपर का एडिटोरियल ये भी काम का नहीं है बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग इलेक्शन, ओके। तो ये तीनों हम स्किप कर सकते हैं टोटली आज के दिन। ये एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है आप लोग के लिए, परसिस्टेंट माइंडलेसनेस, जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये आर्टिकल पढ़ाने के पहले मैं आपको एक स्टोरी, एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहूंगी क्या प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, ठीक है गाइज। सभी लोग समझिए इसको बहुत ध्यान से अच्छे से। तो आप हमने कल की न्यूज में पढ़ा था
कि छत्तीसगढ़ में जो मियोइस्ट है और नक्सलवादी है, नक्सलिस्ट है, उन्होंने हमारे और आर्मी जवान इनके बीच में मुठभेड़ हो गई और एक टिफ हो गई, और उसके बाद बहुत सारे हमारे मिलिट्री पर्सोनल मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, और एक कमांडो तो मिसिंग भी है। और ऐसा माना जा रहा है, आज के न्यूज में ये भी है कि एक कमांडो जो मिसिंग है, मोस्टली उनको एबडक्ट कर लिया गया है बाय मियोइस्ट, तो ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो अटैक हुआ, कहाँ अटैक हुआ, तो ये तरेम करके एक प्लेस है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, वहां ये अटैक हुआ और बहुत सारे मिलिट्री पर्सोनल मारे गए हैं, बहुत सारे इंजर हो गए हैं। तो इसका एक बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगी कि ये क्या दिक्कत चल रही है, बेसिकली छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है इतने सालों से, और क्यों इतनी जाने जा रही है। और ये आपको जो हेडिंग दिया है, इसका मीनिंग है परसिस्टेंट माइंडलेसनेस, मीन्स ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परसिस्टेंट कंटिन्यूसली ये चीज को इग्नोर किया जा रहा है। ये इतना बड़ा इश्यू है जिसमें इतने हमारे जवान मर जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या इश्यू है, क्या करना चाहिए, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसका पूरा एनालिसिस एक ओपिनियन कमेंट के वे में एडिटर ने इधर दिया हुआ है। राइट नाउ ये जो एक बड़ा इश्यू हुआ है, कंट्रोवर्सी हुआ है, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हिस्ट्री पहले आपको सबको बता दूं कि इसमें क्या होता है, मीन्स क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये सारे अटैक हुए हैं। ये हिस्ट्री आपको एक बता देती हूँ, बैकग्राउंड बता देती हूँ, सभी लोग जैसे समझ में आएगा बताइए कि मैम समझ में आ गया, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। और आपको नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट में लिखिए, समझ में आ जाता है तो मुझे थम्स अप दिखाइए, लाइक बटन हिट कीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन दो थोड़ा आप लोग अगर समझ में आए तो, सो दैट दूसरे लोगों को भी फायदा मिल सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसकी एक बैकग्राउंड पहले। तो ये जो मेओइस्ट ग्रुप है ना और नक्सलवादीज है, तो छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम है, अराउंड ऑलमोस्ट 1970s से वहाँ डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं हो रहा था। आपको पता है कि काफी पिछड़ा हुआ एरिया है, काफी रूरल एरियाज और विलेजेस वगैरह है, बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है उधर, पहले से कम डेवलपमेंट हो रहा था। तो वहां के लोग बहुत गवर्नमेंट गुस्सा थे कि इलेक्शन इंडिपेंडेंस को 20 20 25 साल हो गए, इधर का कुछ होता ही नहीं है डेवलपमेंट। देन उन्होंने क्या बोला कि हमारा इधर का डेवलपमेंट जो भी होगा या जो करना है हम खुद करेंगे, हमें गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, इधर हम ही खुद खुद हमसे हमारे अपने आप सब कुछ कर लेंगे। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे दो नक्सलिस्ट नक्सलवादी ये सब ग्रुप्स बनने लगे, और दूसरा एक ग्रुप बनने लगा मेओइस्ट, जो खुद से खुद को ही गवर्नमेंट मानता है वो एरिया का। वो लोग वहाँ हफ्ता वसूली भी करते हैं, जो भी रहते हैं बिजनेस करते हैं वो लोगों से हफ्ता वसूली वगैरह करके बोलते हैं कि गवर्नमेंट हम ही है इधर की, हम ही आपको चलाने वाले हैं, हम ही आपका ध्यान रखने वाले हैं, तो आप हमें टैक्स वगैरह दो, गवर्नमेंट को जो देना है दो, हमें तो देना ही पड़ेगा। ऐसे सब करके थोड़ा दादागिरी भी होता है, बट उधर के लोगों को वो कुछ नहीं करते, परेशान नहीं करते, उनका ध्यान भी रखते हैं और उनके पास से हफ्ता वसूली भी करते हैं। तो बेसिकली वो उनकी खुद के लोग हैं, तो ऐसा करती है। अभी ये टिफ क्यों होती है, अभी इंडियन गवर्नमेंट 2000 से लेके अभी तक काफी कोशिश कर रही है कि वो डेवलपमेंट लाए, थोड़ा थोड़ा बेटर करे, वो छत्तीसगढ़ को कुछ में डेवलप करने की ट्राई करे। बट इन 1970s से मियोइस्ट ग्रुप इतने जम गए हैं, इतने पावरफुल हो गए कि भाई वो गवर्नमेंट को घुसने ही नहीं देते, डेवलपमेंट करने ही नहीं देते। जैसे ही गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है और मियोइस्ट उस पे रोक लगाती है, तो जो झगड़ा हो जाता है इसमें आर्मी के जवान आगे आते हैं मियोइस्ट को पीछे करने के लिए। बट उसमें काफी वो मियोइस्ट इतने पावरफुल है कि काफी आर्मी जवान की अब तक डेथ हो गई है, वो सारे फिगर्स इधर दिए गए हैं कि कितने लोगों की डेथ हो गई है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि इतने इतने लोग जवान मारे गए, ये बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो इसके ही बारे में सारी चीजें दी गई है, ठीक है। तो ये किधर हुआ, तरेम में हुआ, ये एक एरिया का नाम है जहाँ अटैक हुआ। ये इंडिकेट करता है कि वीकेंड मेओइस्ट रिमेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट। तो नो डाउट 1970s से लेके पहले जितने वो पावरफुल थे उससे काफी वीक हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में, बट फिर भी हमारी जो मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है उसके सामने वो लोग फिर भी इतनी बड़ी थ्रेट है वीकन होके भी। तो ये इधर बता रहे हैं एनालिसिस इस चीज का, ठीक है। तो वापस
20 लोग पैरामिलिट्री के पर्सोनल मारे गए एनकाउंटर में, ठीक है, जब भी मेवर्स के साथ यू नो उनका टिफ हो गया इन तरेम एरिया, ठीक है, जहाँ सुकमा डिस्ट्रिक्ट में तरेम एरिया है छत्तीसगढ़ के वहाँ पे। तो ये काफ़ी टाइम से लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट के साथ, और रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि मेवर्स्ट एम्बुश ऑफ पैरामिलिट्री पर्सोनल फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स। तो मेवर्स्ट का एम्बुश मीन्स अटैक किया पैरामिलिट्री पर्सोनल को डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ था, तो इधर माना जा रहा है कि मिलिट्री भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होके नहीं गई थी, वैसे तो वो लोग अपना बेस्ट ही करते हैं, हाँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके लिए वो लोग प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए इतने जाने गए, ठीक है। तो बहुत खराब तरीके से प्लानिंग की गई थी, ऐसा भी लोग ब्लेम कर रहे हैं, ओके। तो इधर यही सारी चीज इधर पूरा आर्टिकल में बताया गया है। तो बेसिकली है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इधर लैक ऑफ रोड एंड टेली कम्युनिकेशन थी छत्तीसगढ़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कम था रोड्स का, टेली कम्युनिकेशन का, तो गवर्नमेंट इसको डेवलप करने की ये ट्राई कर रही थी। तो इसमें मेओइस्ट को नहीं मंजूर था कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, तो उन्होंने उनको फोर्स करना चालू किया कि निकल जाओ इधर से, मत करो, ठीक है। इसीलिए आर्मी के जवान आ गए, इसमें पहली बटालियन थी हमारी आर्मी की लेड बाय ट्राइबल हिदमा। तो ट्राइबल एक ट्राइबल ऑफिसर है हिदमा, उनके उन्होंने लीड की थी पहली बटालियन, ठीक है। और एनकाउंटर रेस हुआ और मोर देन 175 किलिंग हो चुकी है, 76 CRPF पर्सोनल एंड चिंतलर अटैक इन अप्रैल 2010 में भी ये हुआ था, जहाँ 76 CRPF पर्सोनल मारे गए थे, उसके पहले भी 175 लोगों की मौत हो गई थी। तो बहुत सारी इधर प्रॉब्लम हुए हैं, ठीक है। ये जो है नक्सलिस्ट मूवमेंट है ना, ये बेसिकली 1970 से चल रही है, मैंने आगे भी आपको बताया, एंड ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है 2004 के बाद, क्योंकि ये मर्जर हुआ है वहाँ दो लोगों का, गुरिल्ला ड्राइव इन मिलिटेंट मूवमेंट भी उधर आ गया और मेओइस्ट भी है, तो ये दोनों मिलके और स्ट्रांग होके इंटेंसिफाई हो गए हैं, ज्यादा जोर जबरदस्ती से ये वहां अपना राज चलाने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। द मेओइस्ट आर नाउ कंसिडरेबली वीकर, ऐसा माना जा रहा है कि अभी वो लोग थोड़े वीक हो गए हैं लास्ट 10 साल में, ठीक है। वहां जो क्योंकि सेवरल सीनियर लीडर्स या तो डेड हो गए हैं या इनकैल्केटेड हो गए हैं, मींस वो वीक हो गए हैं, अभी बूढ़े हो गए और अभी इतने कैपेबल नहीं है, बट उनकी कोर इंसर्जेंट फोर्स जो है साउथ बस्तर रिमेन्स इंटैक्ट, वहाँ का जो मेन इंसर्जेंट फोर्स है वो तो एकदम इंटैक्ट रह रहा है, ठीक है। तो इधर बोला रहा है कि रिकोर्स टू वायलेंस इज नाउ लिटल मोर देन अ प्लॉय टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन। तो इधर गवर्नमेंट को एक एडवाइस दी जा रही है बाय एडिटर कि वायलेंस से इस चीज का कुछ हल नहीं होगा, उधर उनके साथ बैठ के कुछ बातचीत करना ही ठीक है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट हैज लॉन्ग सिंस रियलाइज्ड दैट देयर कैन नॉट ओनली बी मिलिट्री एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को एक इनएबिलिटी टू रीच आउट टू दोज लिविंग इन द मेओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड रिमेन्स अ मेजर हर्डल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वहाँ के लोकल्स तक पहुँच के उनमें अपना गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में फेल हुई है, ये सबसे बड़ा हर्डल है, ठीक है। तरेम अटैक्स जो है इट्स इन द वेक ऑफ अ रीसेंट पीस मार्च held by civil society activists who had urged a dialogue between Maoist and Chhattisgarh government. तो अभी बीच मार्च में ही पीस मूवमेंट हुई थी जहाँ पे बोला गया था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और मेओइस्ट को पीस बनाने की ट्राई करनी चाहिए और बातचीत करके निगोशिएट करके हल निकालना चाहिए, और तभी ये टेरेम अटैक आया जो दिखा रहा है कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा, दोनों साइड से मौत ही होगी। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 लाइव्स जा चुकी है सिंस 2000 से लेके अब तक हमारे 10,000 जितने जवान मारे गए हैं उधर, ठीक है, एज पर द साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, ठीक है। सो मिलिट्री रिस्पॉन्स एंड रिक्रिमिनेशन विल इनएविटेबली फॉलो द एम्बुश। सो हम अगर मिलिट्री के वे से एनकाउंटर करने की ट्राई करेंगे तो वो एम्बुश मीन्स उनका अटैक बढ़ाएंगे। तो सिविल सोसाइटी का जो प्ली है वो
इग्नोर नहीं करना चाहिए कि एक सोल्यूशन लाने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को इनके साथ बैठ के निगोशिएट करके एक सोल्यूशन लाने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल आपका मैंने डिटेल में पढ़ाया एकदम अच्छे से एडिटोरियल, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। सबको समझ में आया बोलिए यस मैम, यस समझ में आया शो योर थंब, ठीक है, और लाइक बटन हिट कीजिए अगर समझ में आया तो, सब लोगों को शो मी योर थंब कि मैम समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये वाला एक आपको होमवर्क देना चाहूंगी मैं, यूएस एंड चाइना नीड ईच अदर। यूएस एंड चाइना ये दोनों कंट्री, दो अभी काफी टिफ चल रहा है दोनों के बीच में, कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है बोल सकते हैं, बट वो दोनों को एक दूसरे की क्यों सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सब बड़ी इकोनॉमीज है अभी वर्ल्ड में, तो उनको कैसे एक दूसरे की जरूरत है ये चीज के बारे में आपको दिया है। एक बार ऊपर ऊपर से ये आर्टिकल पढ़ना है, होमवर्क में आपको ये दे रही हूँ पढ़ने के लिए। दूसरा एक आपको आर्टिकल है पेज 7 पे जो बता रहा है फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। तो नो डाउट अभी लास्ट कोविड आया है तब से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग्स वगैरह हो रही है और ये वो इजियर भी कर दिया गया है, बट अभी बहुत सारी और बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर रास्ते निकालने जरूरी है फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस के लिए। तो इसके रिगार्डिंग ही इधर एक ओपिनियन दिया गया है कि क्या करने की जरूरत है। अभी गाइस आप लोग लॉ एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, बट आई वुड से बहुत डिटेल में नहीं, एक बार ऊपर ऊपर से सिर्फ देखना। ये पेज नंबर 7 के दो आर्टिकल, यूएस चाइना वाला और ये वाला, ये दोनों आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ पढ़ना है। कुछ भी ना समझ में आए तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस पर आप मुझे ज्वाइन कीजिए एंड आपको जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप, ठीक है। दिव्यांका ने शो दिखाया, थम्स अप दिखाया, उमेश ने दिखाया है, महेश ने भी यस बोला है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया। सभी लोग ने लाइक बटन हिट किया समझ में आया तो, आप कंट्रीब्यूशन दीजिए, ऐसे कंजूसी मत कीजिए कंट्रीब्यूशन देने में, लाइक बटन हिट कीजिए सो दैट लोगों को पता चले कि ये क्लास में समझ में आया है, तो वो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कंजूसी मत दिखाइए, चलो चलो जल्दी जल्दी सब लोग लाइक बटन को हिट कीजिए अगर आ गया है समझ में, बराबर, नहीं समझ में आया तो मत कीजिए। अभी नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप रिपोर्ट ऑन इसरो फ्रेमअप। तो काफी सालों पहले एक इसरो में प्रॉब्लम हुआ था, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिपोर्ट टेकअप करने वाली है, ये बता रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको ये। तो एक्ट अगेंस्ट एयरिंग ऑफिशियल्स अर्जेस सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेट दिया है बिहाइंड अ रिपोर्ट फाइल बाय अ 3-member कमेटी जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी चेयरमैन थे, ठीक है, डीके जैन करके। उन्होंने जो इसरो में प्रॉब्लम हुआ था 1994 में, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया लाइफ एंड रेपुटेशन पूरा नामवी नारायण का, ठीक है, उसके बारे में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी और डीके जैन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, उन्होंने चेयर किया था। और ये रिपोर्ट जो आया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी नज़र डाल के कुछ ना कुछ करने वाली है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट को अर्जिंग इट टू एक्सेप्ट ऑन रिकॉर्ड द इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिटेड बाई जस्टिस जैन कमेटी, कि ये जस्टिस जैन कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है इसके ऊपर आप इंक्वायरी कीजिए, ठीक है, एयरिंग ऑफिशियल्स के बारे में, और उनको सजा दी जाए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सजा दी जाए, ठीक है। तो ये इधर बताया गया है कि नामवी नारायण जिनका लाइफ खराब हो गया पूरा रेपुटेशन ऑन लाइफ, तो मिस्टर नारायण इन हिज पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हैड अरेंज्ड फ्रॉम फॉर्मर केरला ADGP सिबी मैथ्यूज एंड फॉर्मर सीनियर पुलिस ऑफिशियल KK जोशवा एंड एस विजयन के उनके ऊपर आरोप लगाया है। तो एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट 1994 में 30th November को मिस्टर नारायण वॉज वर्किंग ऑन अ क्रियोजिनिक इंजिन टेक्नोलॉजी एट इसरो। पुलिस हैड अक्यूज्ड हिम ऑफ पासिंग ऑन टू पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स एंड ड्रॉइंग्स रिलेटिंग टू वाइकिंग विकास इंजिन। तो पुलिस ने ब्लेम किया था उन्होंने कि ये सारी चीज उन्होंने जो भी नया डेवलपमेंट किया था वो पाकिस्तान को उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी इंफॉर्मेशन। तो
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस वैसे डिसमिस कर दिया था 2018 में अगेंस्ट मिस्टर नारायण, बट उसके ऊपर फिर कमेटी बिठाई गई थी और जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें जो एक्चुअली एयरिंग ऑफिशियल्स थे उनके रिगार्डिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये केस वापस सुने और इन्वेस्टिगेट करे और सजा दे जो भी एयरिंग ऑफिशियल्स हैं उनको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान में रखना ही है आपको। आप लॉ एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस इम्पॉर्टेंट होते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। महेश इज आस्किंग मैम प्लीज टेल मी अगेन टेलीग्राम चैनल नेम। ओके महेश, देखो ना मैंने स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है निधि ध्रुव क्लैट एजुकेटर, देखिए एक सेकंड मैं स्क्रोल करके दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट पेज पे ही मैंने लिखा था आपके लिए, दिख रहा है आपको इधर निधि ध्रुव क्लैट एजुकेटर, ये तमिलनाडु केरला पुडुचेरी के ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है पेन से, ठीक है महेश। इट्स निधि ध्रुव NIDHI BHRUV निधि ध्रुव क्लैट एजुकेटर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। अनदर न्यूज अबाउट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फ्राउंस ऑन इंटरिम हेड्स फॉर CBI। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि जो इंचार्ज अपॉइंटमेंट्स है आप CBI में करते हो इट कैन नॉट कंटिन्यू। तो जिस तरीके CBI के इंटरिम हेड्स थोड़े थोड़े टाइम के लिए चेंज करते रहते अपॉइंट हो रहा है, इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इस तरीके से नहीं हो सकता, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इंचार्ज अरेंजमेंट्स फॉर CBI डायरेक्टर कैन नॉट गो ऑन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ठीक है। क्योंकि वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो बताया कि इस तरीके से कंटिन्यू नहीं हो सकता है। CBI एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है, उनके चेंजेस बार बार नहीं हो सकते, ये खास करके बताया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये वाला आर्टिकल भी एक बार आपको जरूर देखना है अच्छे से, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया इसको इसका आपको। नेक्स्ट आपके लिए न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जजेस अपॉइंट किए हैं कोल केस में, ठीक है। सो मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं अरुण भारद्वाज एंड संजय बंसल, ये पेज जरा मूव हो गया, सॉरी गाइस। हाँ तो ये मैं आपको जूम करके पढ़ा रही थी, सुप्रीम कोर्ट व्हाट इज हैपनिंग, एक मिनट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया स्पेशल जजेस इन कोल केस, ठीक है। तो अरुण भारद्वाज एंड संजय बंसल को स्पेशल जजेस के तौर पे अपॉइंट किया है, दो सेपरेट कोर्ट्स बनाई गई है इसके लिए, क्योंकि 41 जितने पेंडिंग केसेस है इन कनेक्शन विद द कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैम, तो 41 जितने केसेस पेंडिंग है इसलिए एक स्पेशल कोर्ट्स दो बना के स्पेशल जजेस को अपॉइंट कर दिया गया है, नाम है अरुण भारद्वाज एंड संजय बंसल स्पेशल जजेस के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये वाला। इसके अलावा एक अच्छा डेवलपमेंट है, रेलवे ने चिनाब ब्रिज बन रहा है, आप देख रहे हो कैसा आर्क वाला ऐसा ब्रिज है, ठीक है। तो ये ब्रिज जो है ना वो 35 मीटर्स हायर होगा एफिल टावर, जो पेरिस का एफिल टावर है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, एंड हम बोल सकते हैं एक जैसे ताजमहल हमारे इंडिया में ब्यूटीफुल है वैसे आईफिल टावर, तो वैसे आईफिल टावर से भी 35 मीटर्स हायर रहेगा ये। तो रेलवे ने कंप्लीट कर लिया है पूरा आर्च बनाना, ठीक है। देन गवर्नमेंट अमेंड किया है, गवर्नमेंट ने 9 लॉज बाय ऑर्डिनेंस, ये आपको ध्यान में रखना है, जूम करके दिखा रही हूँ आपको कौन से 9 लॉज को ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने अमेंड कर लिया है, जो कि है सिनेमेटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट,
एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट, ये 9 एक्ट्स को अमेंड किया है, इसमें चेंजेस लाई है गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑर्डिनेंस पास करके, क्योंकि बजट सेशन तो एंड हो चुका है अभी फिलहाल, ठीक है। एंड एक लास्ट न्यूज है आज के दिन का, INS विराट जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा शिप ब्रेकर का, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्ली भी किया है कि वो जो शिप ब्रेकर फॉर्म है उनको उसको म्यूजियम बनाना है, ठीक है, जहां लोग जाके विजिट कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट नाउ इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट प्ली, जो ये फॉर्म ने फाइल किया है उसके ऊपर, जो INS विराट इतने सालों से इंडियन नेवी में था वो अभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया है शिप ब्रेकर का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोच किया है कि हमें इसे म्यूजियम में, एयरक्राफ्ट कैरियर को म्यूजियम में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इज सून गोइंग टू हियर द प्लीडिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है न्यूज। एंड यस, दैट्स इट, आज के दिन में यही इम्पोर्टेंट न्यूज थे, ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट न्यूज हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड जस्ट जाने से पहले आपको बता दूं कि अन अकेडमी अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अन अकेडमी में बहुत सारे NLU एल्यूमनाइज ही पढ़ाते हैं, एनी टाइम एनी वेयर यू कैन सी द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन यू नो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी। स्टडी मटीरियल भी आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट और क्विजेस अटेंड कर सकते हो, एंड यू नो लॉट ऑफ एडवांटेजेस डेफिनेटली। क्लास 2021 के भी अलग बैचेस है, 2022 के भी बैचेस है हमारे पास, एंड 2023 के भी बैचेस है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगी कि क्लैट के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा, क्लैट या कोई भी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उसमें ही आपका सिस्टमैटिक सिलेबस कंप्लीशन होगा। हाँ, स्पेशल क्लासेस देख के आप चूज कर सकते हो कि कौन से प्रोफेसर का आपको अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है, बट रेंडमली क्लासेस होती है उसमें, नॉट सिस्टमैटिक सिलेबस कंप्लीशन। तो ये आपको करना है सिस्टमैटिक सिलेबस कंप्लीशन, ये बहुत जरूरी है, तो आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे क्लैट जैसी, और सारी लॉ एंट्रेंस जो काफी डिफिकल्ट होती है वो क्रैक कर पाओगे। 3 महीने में क्लैट 2021 आ रहा है, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर लीजिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, निधि लाइव इज माई कोड, ठीक है, इधर आप देख सकते हो निधि लाइव, ठीक है। एंड 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 11,250 रुपीज में, ठीक है। 2022 में एग्जाम दे रहे हो तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, 22,500 पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट, दैट यू कैन गेट बाय यूजिंग माय कोड, राइट, निधि लाइव, ये कोड यूज कीजिए। एंड 24 मंथ्स का करंट जो आपका कोर्स है आप ज्वाइन कीजिए, अगर क्लैट 2023 में दे रहे हो, जो काफी बच्चे ज्वाइन करते हैं, 2 साल पहले अगर प्रिपरेशन करो तो बहुत सिस्टमैटिकली अच्छे से प्रिपरेशन होके आप जरूर क्रैक कर पाते हो क्लैट। तो 30,000 वाला है, बट 10% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 27,000 में अब 2 साल पूरा कितना प्रैक्टिस, कितने सेशन अटेंड करना बहुत कर सकते हो, तो जरूर ज्वाइन कीजिए गाइज, ठीक है। एंड दिस इज निधि ध्रुव साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइज, सी यू ऑल टुमारो अगेन, बाय बाय। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल।